आपके जज्बात को सलाम। इसके बाद मंजिल मगर लोग आते ही गए और आज कारवा बनता गया। मैं आज उन तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज की इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए इतना बड़ा रैली का इस्तेमाल किया। एक रैली पैदल हमारे यहाँ के सेक्रेट से जो हल्कवन के सेक्रेट है उधर से आई, दूसरा रैली जो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से हम वहां हल्का टू के सेक्रेट से आए और यहाँ हम बिलखसूस यहाँ पे जाम मस्जिद के चौक पे हम मिले और वहां से हम पैदल मार्च यहाँ तक पहुंचे, जिसका मैं तमाम अहदेदारों और वर्करों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने साबित कर दिया कि आप परवेज मुशर्रफ के दिल से जानिसार और चाहने वाले हैं और आप परवेज मुशर्रफ के लिए अपने जान का नजराना भी देंगे। इसके अलावा परसों की जो हमारे एहतजाजी रैली थी जो तारीखी, मैंने उसका नाम सुनामी लकब दिया था और आज भी सुनामी को मैं कहूंगा ये सुनामी है। अगर किसी दूसरी जमात में कोई दम है तो ऐसा जलसा करके दिखाइए। मैं बार बार चला जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ दूसरी जो बड़ी पार्टी के दावेदार तुम लोग जरूर हो गए भाई, कोई दूसरा पार्टी आज के बाद नहीं। हमारे कारकुनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मैं बावल कराना चाहता हूं
अगर तुम ऐसी गलती नहीं करें, अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाने पर एफआईआर अगर दर्ज होते हैं तो सबसे पहले तुम वजीराला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, जिसने आईजीपी अजहर हुसैन को और उस जस्टिस को मैं आपके जज्बे और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आज मंजूरी उतर है। अगर मंजूरी उतर का नाम है तो आप लोगों की वजह से मैं सलाम कर सकता हूँ आप लोगों को। एक वजीर आला होने के नाते से अगर वो एक आईजीपी को 6 महीना अदले के हुक्म के बावजूद, अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं बैठता तो मंजूर लिफ्टर के हाथ पर जाने थे कि मैं उस अदले के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। तो एक तरफ कार्रवाई करते हुए एक तरफ फैसले सुनाते जाते हैं। और पुलिस वाले से जेल कितने लोगों पर भार दर्ज करेंगे तुम बताओ? वापस लाए। इसके अलावा मैं ये भी कहता हूं कि 4 तारीख को हमारे कायद की पेशी भी है और वहां हमारे मरकज से भी कुछ ऐलानात हुए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि 4 तारीख के बाद उस फैसले की रोशनी में हम कोई यहां पे फिर एहतजाजी सिलसिला होगा आर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से। ये मैं वादा करता हूं आर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हम एहतजाजी काल और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा। जब तक हमारे कायद को रहा नहीं किया जाता, जब तक हमारे कायद के खिलाफ जितने भी जाली केसेस बनाए गए हैं उनको खत्म नहीं किया जाता, हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और हमने बार बार कहा है कि हम इंतहाई इकदाम उठाएंगे, उससे हमने कहा नहीं कि हम इंतहाई इकदाम उठाएंगे। और शासन करगिल हम तुम्हारे साथ हैं।
और जानबूझकर इलेक्शन लड़ाने के उस अवामी हक से महरूम किया जा रहा है जो कि एक अवामी जमहूरी पार्टी का बुनियादी हक है, उस हक से हमें महरूम किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर भी हलका 3 में इलेक्शन पे अनाउंस हुआ, यहां हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, हमारे आगा सैयद अब्बास अल मौसवी साहब हलका 3 से इन्होंने कागजात अपना जमा किया, लेकिन पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिए भाई हम इलेक्शन को कोई मुलतवी नहीं करना है, गुलतरी का रोड थ्रू है, कोई मसला नहीं है, इलेक्शन हमने कराना है। जब हमने कन्वेंसिंग की वहां आवाम ने हमारे पजेराए और मकबूलियत देखी तो ये रफू चक्कर हो गए और कहते हैं जी गुलतरी का रोड बंद हो गया, और पहले बंद नहीं था, बाद में बंद कैसे हो गया भाई। मैं आज इस के वसादत से, क्योंकि आप तमाम मुशरफ के शहदाई हैं, मुझे फख्र है आप मुशरफ के लिए अपनी जान का नजराना भी देंगे, जान का नजराना देंगे तो आप, मैं आज मैं आपसे एक हुक्म लेता हूँ, जो भी मुशरफ के कैंडिडेट होगा उसको आप वोट देकर अपनी ताकत से मुजाहरा करेंगे। अगर आप वोट नहीं देंगे तो ऐसे ही नारों का कोई फायदा नहीं है। कल आप एक फार्म के पीछे जाएंगे, कल आप एक आटे के टोले के पीछे जाएंगे, ये कौम की मैं कहता हूँ फिर आप ऑफिस है। अगर आप मुशरफ के साथ मोहब्बत रखते हैं, अगर आप मुशरफ से वालहाना मोहब्बत रखते हैं और आप उसके जानिसार हैं, तो साबित करना है अपने वोट की ताकत के जरिए। और इंतजामिया को ये गौर कराता हूँ कि ये FIR और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का आप सोचे भी ना, वरना ये रैला कहीं भी किसी भी तरफ रुख मोड़ सकता है। इसकी तमाम तरह जिम्मेदारी जिस शख्सियत में, जिस साहिब में आपके लिए NLI जैसे गिलगित बल्तिस्तान के NLI को रेजिमेंट बनाकर पूरी दुनिया में मिसाइल कायम की और नॉर्दर्न सपोर्ट उनके दौर में यहां कायम अमल में लाया, और उसके अलावा यहां पे जितने मेगा प्रोजेक्ट तरक्याती मंसूबे और दीगर काम हुए वो सारे के सारे मुशरफ के दौर के, और ये लोग तख्ती लगाकर अपना क्रेडिट ले रहे हैं। नाम बेनजीर शहीद अस्पताल किया भाई मुशरफ ने, उसका भी तो करो सर जिक्र करो। आज अस्पताल की हालत को देखें, कौन सा जमहूरी हुकूमत है भाई जिसमें एक परेशानी भी किसी मरीज के लिए नसीब ना हो। और तुम कहते हैं हमने गरीबों के लिए काम किया, कौन सा गरीब के लिए काम किया, रोग तो मर रहे भाई। लोगों से पूछो, उन गरीबों से पूछो जो रात को जाते होते कि वो आटा लेने की बसा भी उनके पास नहीं, और आप कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया। ये सारे के सारे मुशर्रफ दौर के काम है, स्कीमे हैं, और उन्हीं के दौर के जितने काम मुख्तस किए थे आज तक ये मुकम्मल न कर सके। मैंने परसों भी कहा इनको 13 साल भी लग जाना है मुशर्रफ के दिए हुए स्कीमे मुकम्मल नहीं हो सकते। इसके अलावा जो अस्पताल में जो आपके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, अस्पतालों में जो फीसों का निजाम है इसकी बार बार हमने मुखालफत की है और मुखालफत करता रहूंगा। ये आवाम के साथ आवाम के हकूक पर डाका है, और मैं आज तारीख के मूड में नहीं था, चंद जुमले चलो हमारे राजा साहब के डिमांड पर मैंने कह दिए। बाकी ये है कि मैं इनको मौका देता हूँ, वो अपने जज्बात एहसास और परवेज मुशरफ से वाबस्ती मोहब्बत का इजहार करते हुए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आल पाकिस्तान में शमूलियत का भी बाकायदा ऐलान करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान मुशरफ जिंदाबाद।